गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज अपना डे टू स्टार्ट हो रहा है ट्रैकिंग का। डे थ्री स्टार्ट है हमारा टोटल ऑफ जर्नी का। और बहुत ठंड थी बॉस, ये हमें स्लीपिंग बैग को ये भाई पड़ा अभी तो पैक। मैं निकल रहा हूँ क्योंकि मुझे फ्रेश होना है। और ये रहा अपना स्लीपिंग बैग भाई, पर पैक होके सोए हैं और सब कुछ पहन के सोए हैं लाइफ में पहली बार। पर भाई बहुत थकाम, माइनस में टेम्परेचर था। आपको दिखाता हूँ बाहर का व्यू। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वाओ, देखो पूरा पानी जमा पड़ा है कैंप के बाहर यार। और वो छोटू सा टेंट दिख रहा है, वो अपना टॉयलेट है यार कैंप में। आपको पता है भाई, यहाँ रफ एंड टफ प्रॉब्लम मामला चलता है। यहाँ पे नहीं फ्लश फ्लश मिलने, वहाँ पे एक गड्ढा खोदा हुआ होगा, साइड में मिट्टी होगी, खुरपी रखी होगी। फ्रेश हो, टिश्यू पेपर से पूछो और अपना गड्ढा दोबारा मिट्टी डाल दो। ये चलता है यार कैंप। ये कुछ भाई लोग जग गए, ये येलो कलर के सारे कैंप अपनी टीम के हैं। अब अपना प्रोग्राम है, यहाँ से फ्रेश होके 7 बजे 7:30 चाय मिल जाएगी, 8:30 नाश्ता, फिर 9 बजे हम अगले अपने पॉइंट तक अपने बेस कैंप के लिए चलेंगे। तो आज का ट्रैक फिर हमारा वहाँ होगा। चलो भाई कनेक्ट रहेंगे, मिलते रहेंगे। बैटरी बैकअप का बहुत प्रॉब्लम है, मैं 2 बड़े पावर बैंक लाया था, ठंड से ही बैठ गए, एक तो बैठ गया है, आज एक और करके देखना है। मैं चाहता हूँ पीक तक मेरा चल जाए, क्योंकि मुझे पीक पहुँचना है, सबमिट करना है ये वाला केदारकंथा। तो इसके बारे में बताऊँगा आपको और सारी डिटेल लूँगा। तो भाई मिलते हैं फिर थोड़ी देर में दिन में। ओके भाई, टेक केयर, हर हर महादेव। ये भैया भी देखो टीम से ही हैं। ये पानी जो पहाड़ों से आता है बर्फ़ का, ये लगाया था ड्रम, ये यूज़ होना है सब अपना किचन विचन में, खाने में। ये पीने का ही पानी है यहाँ के लिए। तो ये पानी जम गया तो ड्रम में मार रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, पानी बना रहे हैं, सारा ऊपर से लेयर जम चुकी। ये देखो, तो भाई ये वाली लाइफ चाहिए तो थोड़ा मजबूत बनना पड़ता है। बाकी पॉपी लाइफ तो अपनी वहाँ ही होटल और ये वो ये सब, अपने को वो सब समझ में नहीं आता भाई। देखो पूरा पाइप जमा हुआ, पाइप में से भी निकाल रहे हैं। ये देखो, समझ जाओ टेम्परेचर कहाँ जा रहा है। और ये आगे आगे बढ़ना है, आज हमें फिर आगे उधर बढ़ना है और अगले बेस कैंप पहुँचना है। हो पर सही में यार तड़प गए ठंड से। कोई नहीं, पर 2-3 दिन और। ओह, मिलते हैं भाई, हर हर महादेव। भाइयों इट्स ब्रेकफास्ट टाइम और पहाड़ों पे इस हाइट पे हमें ब्रेकफास्ट मिल रहा है, बहुत है यार। देखो ठीक ठाक कर रहे हैं अपना गंगा भाई, ब्रेकफास्ट मिल रहा है, बहुत है। ये देखो इसने उधेड़ भी दिए नाश्ता। चलो यार करते हैं स्टार्ट। ये फ्रूट है, ये एग है, पर हेड है भाई। ये पोहा है और ब्रेड मिला है। तो
ये दोस्ती छोड़ेंगे तोड़ेंगे दम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। बहुत बेहतरीन रावत जी। अब पहाड़ों का क्या कहना कि बारों महीने यहाँ मौसम जाड़ों का वो सही यहाँ मौसम जाड़ों का फिर और बहुत सही बहुत बढ़िया। थोड़ा आपने दिल खुश कर दिया रावत। अलग अलग नेचरों में सुनाया जाएगा वो तो है। टाइम लेना पड़ेगा आपको भी राउंड को भी। लेमन टी दोस्तों सेकंड डे ट्रैक स्टार्ट हो चुका है हमारा। और पीछे हमारे कैंप हम निकल गए हैं आगे आज सेकंड डे कैंप के लिए। पर उसके बीच में हमको मिलने का तालाब जो कि यहाँ बहुत फेमस है फ्रोजन लेक है। वो पूरा लेक है बहुत बड़ा जो पूरा फ्रीज हो जाता है। उस पर हम चलने वाले भी हैं पूरा बर्फ। और आज का थोड़ा चैलेंज हमारा ये है भाई शूज़ के अंदर भी बिल्कुल उंगलियां सुन्न हो चुकी हैं और माइनस में टेम्परेचर है और थोड़ा सा बर्फ पे चलना है तो स्लिप है। बस ये ग्रिप देखनी है। ये सारा रास्ते में ना मिट्टी के नीचे बर्फ ही है और ये अब बढ़ना है भाई ये सब बढ़ती चली जाएगी। तो आज का हमारा ये टास्क है। बोल शंकर महाराज की जय। जय हर हर महादेव। हर हर महादेव। देखो ये वुड है और इस पे कैसे स्नो पड़ी है। ये टूटा हुआ पेड़ है। नेचर यार नेचर है यार। ये इस पार या उस पार। इससे सिंपल और इससे सुंदर कुछ है नहीं यूनिवर्स में। आ जाओ रुको मत रुकना मना है। तो आज का कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको बस थोड़ी सी देर बाद जुड़ा का तालाब लेके चल रहा हूँ दिखाता हूँ आपको। जो जिस ग्रुप के साथ हम हुए हैं अटैच डिस्कवरी हाइक के नाम से है वो जो ट्रैकिंग कराता है। तो इसमें हम 21 मेंबर हैं पर हम चार लोग जो साथ में हैं तो हम सबसे आगे चल रहे हैं। तो आज हमारे पास अभी तक गाइड नहीं है भाई। गाइड हमारे दोनों पीछे हैं क्योंकि बहुत स्लो चल रहा है वो ग्रुप तो हम उनसे थोड़ा आगे चल रहे हैं। पर सबको सजेस्ट करूँगा कि विंटर ट्रैक मतलब स्नो ट्रैक खुद से ना करें। हमें रास्ते की प्रॉब्लम आ रही है। मैं ये स्नो में ना पैरों के निशान देख के इनसे आइडिया लगा रहे हैं हम लोग तो चल रहे हैं। जहाँ तक भटकते नहीं तब तक चलेंगे उसके बाद नहीं चलेंगे क्योंकि फिर हम इंतज़ार करेंगे उनका। तो ये आता है अभी तक मेरा भी एक्सपीरियंस जो था मैं अपने ट्रैक अपने आप करता था। हम तीन चार लोग जाते थे कर लेते थे पर ये भी एक ऑसम एक्सपीरियंस रहा है जिसमें हमें ऑल ओवर इंडिया से लोग मिले हैं सबसे दोस्ती हुई है सबसे बहुत अच्छा रहा। सबने अच्छा इन्जॉय किया बोनफायर वगैरह सब और मतलब सबसे अच्छी गैदरिंग हुई है सबसे अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। इन तीन दिन हमें साथ रहना है तो एक तरह का बहुत अच्छा एक्सप्लोर है।
सबके अपने एक्सपीरियंसेस, कोई अपने चैनल के लिए आया हुआ है, कोई अपने ग्रुप के साथ आया हुआ है फैमिली, और जो लेडीज़ आई हैं दो तीन, उनकी हिम्मत को सैल्यूट है यार, जो ये उनका शौक है, उनका पैशन है कि वो ट्रैक करें यार, क्योंकि ठंड जबरदस्त वाली है। मैं मुझे ठंड अच्छी लगती है पर हिला पड़ा हूँ रात से, और अभी तीन दिन हमें ऐसे रहना है। तो रास्ते अपने गाइड अंडर गाइडेंस ही चले, अपने गाइड के साथ चले, उसको फॉलो करें, उसकी बात माने। आगे जाके हम यही करने वाले हैं। फिलहाल हम अभी चल रहे हैं जूडा के तालाब तक, और बहुत औसम है यार। और एक थोड़ा सा बताना चाहूँगा केदारकंथा ट्रैक के लिए कि हमारे भगवान शिव शंकर केदारकंथा स्वयं आए हुए हैं खुद ना, उसके बाद उन्होंने केदारनाथ शिफ्ट किया, केदारनाथ जाके फिर वो रहे हैं, पर वो केदारकंथा आए थे एनी हाउ, उन्हें कुछ पसंद, एक स्टोरी है पूरी, तो वो यहाँ से चले गए। पर ऊपर पीक पे, जो हम पीक करेंगे कल सबमिट पीक पे, उनका त्रिशूल है अभी भी और एक मूर्ति है। तो हर हर महादेव, मतलब लकी कि हम ये सब एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, और आप भी बहुत लकी हो, आप ये सब दर्शन कर पा रहे हो। जब भी प्लान बनाओ प्लीज़ कॉन्टैक्ट, अपना सब अब सेट होता जा रहा है, तो बहुत हेल्प मिलेगी चैनल के थ्रू और मेरे थ्रू। तो भाई लगे रहो, और बहुत औसम है सब कुछ, सही में जन्नत है। और यहाँ पे देखो मैं आवाज़, हमारी आवाज़ भी गूंज रही है। आई लव यू, मैं इन माउंटेन्स को बोल रहा हूँ, माउंटेन्स रिप्लाई कर रही है, माउंटेन्स रिप्लाई कर रही है नीचे से भी पब्लिक आ रही है, आराम से बोलो भाई, पहाड़ों से प्यार हो गया है। और ये प्यार हमेशा चलने वाला है, क्योंकि नेचर लव इज द बेस्ट लव एवर। चलो बढ़ते हैं यार, अभी मैं फिसल गया था, बच गया, मेरी नी में चोट लगती। तो स्नो पे चलते हुए थोड़ा यहाँ पे भी ध्यान देना है। मैं आगे फिर कंटिन्यू करता हूँ, कुछ नया आगे दिखाता हूँ आपको, फ्रोजन लेक पूरा। ये बैग बहुत भारी हो गया यार। भोले बाबा ऐसी जगह जाके बैठते हैं जहाँ कोई नहीं पहुँचे जल्दी, सबको दर्शन नहीं देते, जहाँ सेलेक्टेड लोग ही पहुँचे, उनके प्यारे दुलारे। तो दोस्तों वेलकम टू जूडा का तालाब, 9311 फीट हम आ चुके हैं, और पूरा हम ये देखो, ये देखो स्नो, ये देखो और ये सामने जूडा का तालाब है, जो हमारा आज का फ्रोजन लेक है। देखो शूज, मैं बैग उतार देता हूँ यार, क्योंकि फ्रोजन लेक है, बॉडी वेट भी साला अपना क्या पता ज़्यादा हो रखा हो, और बैग तो है ही हैवी। तो ये अपना बैग उतार के मैं दिखाने वाला हूँ आपको फ्रोजन लेक।
ये पूरा लेक फ्रोज है भाई, इसको कैमरा आवाज़ आ रही है। मैं फ़ोन को देखो लेक पे ही टच कर रहा हूँ, पूरा सॉलिड हो रखा है, पूरा जमा हुआ है भाई। ये अपना जूड़ा का तालाब, आज का प्राइम लोकेशन यही था। ये हम लेक के ऊपर ही चल रहे हैं, चल भी रहे हैं, थोड़ी फट भी रही है भाई क्योंकि डिस्कवरी में देखा है बड़ा डूम, इतने ठंडे पानी में हाथ पैर भी नहीं चलेंगे। और भैया कोई मिल गया, अगर रोहित बन जाऊंगा मैं। नहीं निकले यार, अरे कोई नहीं यार, ये जमे हुए हैं, इतना भार तो हमारे। अरे टूटते हुए टाइम नहीं लगता, ये टूटा हुआ है देखो। कोई नहीं है ना, पहचान में आ रहा है। लो मैं भाई आराम से दिखा, एक बार स्टिक दिखाइयो, मैं चेक कराता हूँ। एक लेयर जम गई है, ये ब्रेक दिख रहे थे पर इसके ऊपर भी एक लेयर आ चुकी है। ये एक लेयर जम चुकी है, वैसे टूटा हुआ है। चलो भाई ये हो गया आज का जूड़ा का तालाब, पूरा फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। कहाँ पे लेक में जाओ तुम, बस बस इसी पर जाओ, तुम तो हल्के हो यार, तू तो 100 मीटर मार ले, तू तो हल्का है। तभी तो कह रहा हूँ, जो बिना डरे इस लेक को कर सकता है पार, जमे हुए को इकलौता। तू 100 मीटर मार ले इस पे, अरे मार ले, तू नहीं जानेगा, पानी पे चलेगा भाई तू। ले लिया शॉट, ले ले भाई, ओ शाइन ये फोटो ले मेरी, किसका तीन आमे बना दो, भैया हमने हम तीनों का आमले बना लिया, इन्हें बना कर कुछ नहीं खाना। ठीक है। मचाएंगे, हाय हाय। भाई कुछ पानी के लिए कुछ लगाना पड़ता है ना, तो वही लगा रहे हैं, पर जन्नत है भाई। अभी तक कल तक ट्रैक करना है ऐसे। आज का सबसे बड़ा चैलेंज ये है, हम अपने बेस कैंप पहुंच के जहाँ पे आज रुकने वाले हैं वहाँ से हमको रात को 2 बजे उठना है। -13 टेम्परेचर होगा, उस ठंड में 2 बजे उठ के फ्रेश होके और सनराइज़ के लिए सबमिट करना है, पीक पे जाना है, ये अपने लिए चैलेंज है। देखो कब तक पहुँचते बेस कैंप। Oh.
अभी बेस कैंप हमें और हमको अभी अपने अपने कैंप्स अलॉट हो जाएंगे और फिर यहीं खेलो कूदो मस्ती करो स्नोमैन बनाओ पूरी एक्टिविटी करेंगे भाई। आज पूरा दिन यहीं स्पेंड करना है, रात को भी यहीं रुकने वाले हम लोग। देखो आप इस जंगल के पीछे पूरा पीक है और इस जंगल के पीछे हमारा पीक है जो कल होना है। ये जो आप खच्चर देख रहे हो ना ये ओनली सामान ढोने के लिए भाई, यहाँ पे इनका कैंप्स वालों का सामान आता है, खाने पीने का सामान आता है, बंदे नहीं आते तो ये फैसिलिटी नहीं है, तो यहाँ आए अपने ऊपर आए। ठीक है भाई, और भाई ने बता दिया जगदीश भाई कौन सा टेंट है, तो ये द ट्रायल हिमालय वाले ये अपने टेंट है ये वाले, तो हम यहाँ रुकने वाले हैं। तो भाई फिलहाल बैग वैग रख के रेस्ट करते हैं, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं आप सबसे। ये केदारकंठा के अपने दो मेंबर हैं भाई, ये इनसे मिलवाता हूँ मैं आपको। ये हैं बड़े मियाँ और ये है छोटे मियाँ, बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं भैया, इनके मर्जी के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। ठीक है, तो ये छोटे मियाँ इनसे मुलाकात हो गई अपनी, और ये रहे अपने बड़े मियाँ, इनकी पूरी नजर है भाई, इनकी है पूरा अपना कैंप। ये है अपने, तो सब लोग हाय बोल दो, बस नाक संभाल के रखना भाई, धूप जाने वाली है ना। और एक ये रे, चलो भाई दाल मंगा, इट्स लंच टाइम बाबू, इट्स लंच टाइम ब्रो, अपने कैंप का लंच टाइम है ना। हाँ, तो लंच लेने का अच्छा, ये लंच है हमें इसके साथ, तो इस लंच की भाई कोई मतलब प्राइसलेस है इस टाइम पे। हाँ, बहुत वैल्यूएबल, मतलब सब कुछ है ये इस जगह, ये लंच, तो मिलते हैं फिर लंच के बाद। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने केदारकंठा बेस कैंप, जैसे कि आपको पता है लंच हमारा हो चुका है, हमें अपने टेंट भी आज के अलॉट हो चुके हैं, तो आज एक टेंट में हम और ऊपर आए हैं, तो आज एक टेंट में हम दो लोग नहीं, आज एक टेंट में हम लोग चार लोग हैं, और स्लीपिंग बैग के साथ एक लेयर और ऐड करी हुई है ये वाली, इसके ऊपर से स्लीपिंग बैग आएगा क्योंकि ठंड बहुत तगड़ी होने वाली है भाई। का व्यू ये है, ये हमारे टेंट से व्यू है, और बताओ क्या चाहिए जिंदगी में, ये हमारे इस ये हमारी हवेली का व्यू है। और बाकी अब हम सब ये परीक्षित निखिल दिवाकर भाई हम सब यहाँ आज पैक होने वाले, अब बस शाम तक का इंतजार है, आज की रात काटनी है, 2 बजे हम लोग को उठना है, फिर आगे का आपको पता चलना है क्या होना है, हम लोग को पीक करना है। हर हर महादेव, ऐसे ही प्यार करते रहो, सपोर्ट करते रहो, देखते रहो, चलते रहेंगे हम भी। फिर भाई दिस इज द ब्यूटीफुल इवनिंग ऑफ आवर केदारकंठा बेस कैंप, नीचे जितने भी टेंट लगे कलर्स देखो यार, ऑसम यार, पता चलता होगा ऐसा नहीं, यूं कह रहे हैं यहाँ पत्थर आए अपने बेंच के पीछे, पत्थर का उतार के मतलब बर्फ बर्फ में चलना है, नहीं समझे। एक बात तो बताओ, बहुत से कैसे हो भाइयों, टाइम हो रहा है केदारकंठा कैंप बेस कैंप पे हम लोग, टाइम हो रहा है 10, हम लोग डिनर कर चुके हैं और सब अपने अपने स्लीपिंग बैग में कवर्ड है, और कल तो स्लीपिंग बैग ही था, आज हमें एक लेयर और मिली है, तो हम पूरा कवर हो चुके हैं। और भाई टेम्परेचर हो रहा है -14, बहुत बुरा हाल है, और हमें जल्दी अभी सोना भी है और सुबह 2 बजे उठ के निकलना भी है, हमारे शूज़ वगैरह सब ये बाहर गीले रखे हैं, ये देखो आप
शूज़ हैं हमारे और माइक्रो स्पाइक्स क्रैम्पॉन सब हमें मिल चुके हैं, क्योंकि इस पूरा कंप्लीट स्नो ट्रैक है आज से भी बहुत ज़्यादा, तो उसमें चलने के लिए हमको क्रैम्पॉन्स की जरूरत पड़नी है, तो हमें सब मिल चुका है। सुबह 2 बजे हमारा चैलेंज है कि 2 बजे उठ के हमें 2:30 बजे तक निकलना है, जिससे हम केदारकंठा पीक कर सकें और सनराइज़ देख सकें। तो ये हमारा टास्क होने वाला है भाई, कल हमारा ये फाइनल टास्क है, फिर हमारे नीचे निकलना है। तो फिलहाल अब सोने की तैयारी है। ये आपका पूरा लोकेशन है, दिवाकर पैक है पूरा, दिवाकर स्लीपिंग बैग और वो अपनी लेयर के साथ ना, निखिल भी पैक है ना, परीक्षित भी पैक है, डबल लेयर, डबल लेयर की ज़रूरत पड़ेगी भैया। तो गुड नाइट भाई सबको, और मिलते हैं फिर कल मॉर्निंग ट्रैक पे ऊपर। ओके भाई, हर हर महादेव, हर हर महादेव, गुड नाइट गाइस, गुड नाइट।